हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं सर आइज़क एंटरटेनमेंट, मेरा नाम है इसाक और आप देख रहे हैं मिस्टर आइज़क एंटरटेनमेंट। सो आज हम इस एपिसोड में देखेंगे कैसे आपका अकाउंट जो परमानेंटली सस्पेंडेड हो गया और जो भी अकाउंट टर्मिनेटेड है उसको वापस कैसे लिया जाए। इससे पहले आपको कुछ कम्युनिटी यूट्यूब की तरफ से गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना होगा। सबसे पहले अगर आपका ये चीज़ नहीं है तो आपका YouTube अकाउंट वापस आ सकता है। सबसे पहले आपके इस पर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन वगैरह नहीं होना चाहिए। सेकंड, आपका कोई पॉर्नोग्राफी वगैरह आपने अपलोड किया है तो आपका अकाउंट वापस नहीं मिल सकता। थर्ड पॉइंट, आपने अगर कोई एक्सीडेंटल केस वगैरह ला रहे जिसमें बहुत सारा एक्सीडेंट वगैरह खून बह रहा है वो सब अपलोड किया है तो आपका अकाउंट वापस मिलने के चांसेस बहुत कम है। और फोर्थ वन, अगर आपने कोई ईफ वगैरह काट रहे हैं, कोई चीज़ काट रहे हैं, यानी कोई भी ऐसा एनिमल की कटिंग हो रही है, आपने वो अपलोड किया है तो आपका यूट्यूब अकाउंट वापस नहीं मिल सकता। अभी हमारे पास दो मेथड है जिससे आप आपके अकाउंट वापस ले सकते हैं। पहला तो मेथड है जो सब अपनाते हैं, सेकेंड मेथड मैं आपको बाद में बताऊँगा जो ईमेल के ज़रिए होता है। तो इससे पहले आप हमारे पहले मेथड पे हम जाते हैं। इसके लिए हम हमारे YouTube या जो YouTube अकाउंट जिससे बना हुआ ईमेल उसमें जाएंगे। ये देखिए, मुझे 17 मई के दिन ये मैसेज आया था कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया वायलेशन की वजह से। तो मैं क्या किया, इस लिंक को क्लिक करिए तो आपको आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे ये पेज पे। ये पेज पे रिडायरेक्ट होने के बाद आपको ये फॉर्म दिखेगा। ये फॉर्म दिखा जैसे उस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये पूरा खुल जाएगा आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपका फुल नेम जो भी है वो ऐड करना है। जैसे मेरा नाम है ऐसे, एंड सेकंड वन आपका ईमेल एड्रेस है, आप इधर ही फंस जाते हो। ये अकाउंट आपने बहुत सारे चैनलों से लिंक किया होगा इसलिए आपको ये अकाउंट का ये ईमेल एड्रेस नहीं देना। आपको जाना है सिंपली अपने अकाउंट के लोगों पे, इस पर क्लिक करना है, माय अकाउंट पे जाना है। अकाउंट पे जाके योर पर्सनल इन्फो पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये जो ईमेल दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। ये आपका गूगल प्लस का अकाउंट का ईमेल है, यही आपको आपको इसमें डालना है। इसमें सिमिलरली मैंने एक ही अकाउंट से लिंक किया इसलिए मेरा ये उधर एक ही ईमेल बता रहा है। इसलिए मैं क्या करूँगा, सिंपली बैक जिधर मेरा ये था उधर डाल दूँगा। मैं अकाउंट डाल दिया, उसके बाद ईमेल एड्रेस वी कैन यूज टू कॉन्टेक्ट यू, यानी आपके पास कोई अल्टरनेट ईमेल रहेगा तो वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास अल्टरनेट ईमेल था, वही डाल दिया, उससे मुझे आराम से ईमेल आ गया। लेकिन आप ये वाला अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं क्यों, अगर आपका ये जीमेल अकाउंट चल रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये जो सस्पेंड अकाउंट अपने यूट्यूब चैनल जो सस्पेंड हो गया है उसकी URL चाहिए आपको। तो उसके लिए आपको अपने चैनल पे जाना होगा, माई चैनल पे क्लिक करके आपको ये जो URL मिलेगी इसे सिंपली उठा के कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना। सबसे मेन बात, आप ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपका गलती से अकाउंट टर्मिनेट हो गया है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी ने आपके वीडियो को फ्लैग कर दिया वगैरह वगैरह, तो आपका कभी कभी यूट्यूब अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, ये भी वजह रहती है। आपका सिंपली इजी वाला अकाउंट जो आपका सस्पेंड नहीं होने वाला रहता है वो भी अकाउंट सस्पेंड हो जाता है फ्लैग करने की वजह से। तो आपको इधर कुछ टाइपिंग करना है जो मैं आपको लिंक में दे दूँगा, या आप मैं पेस्ट कर रहा हूँ, लिंक में आपको मिल जाएगा। ये डाल के आपको इधर सिर्फ आपका नाम डाल देना है। जैसे मेरे इसका चैनल का नाम है मिस्टर आइज़क एंटरटेनमेंट, या तो तुम्हारा जो नाम रहेगा वो डाल सकते। इसके बाद आपको ये सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको कुछ ऐसा ईमेल आएगा, आप रेसिप्यूट योर रिसीव एन अकाउंट
appeal and will get back to you soon as possible. Sincerely from the YouTube. तो आपको ऐसा अकाउंट भी मिल जाएगा और आपका ये हो जाए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके लिए वेट करना है। लेकिन मेरे केस में ऐसा हो गया कि ये अगर इस मेथड को आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका अकाउंट एक दिन में भेज जाएगा। ये देखिए 30 जून को मैंने ये दिया था, ये मैंने जो अनेबल टू एक्सेस इससे सबमिट किया था मेरे को अकाउंट मिला है उसी दिन रात को 11:15 AM को 12 बजे मिल गया। ये मैंने किया था 12:15 यानी मेरे को 12 घंटे के अंदर ये YouTube अकाउंट मेरा वापस मिल गया। अगर आपका रिव्यू और अच्छा सही अकाउंट है, आपने कोई ऐसी वायलेशन नहीं डाले जो YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हो, तो आपका अकाउंट मिलना इम्पॉसिबल है। अगर आपका सही अकाउंट है तो आपको ये अकाउंट 12 घंटे एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। तो आप मुझे क्या आया, ईमेल देखिए, हेलो वी आर रिव्यू योर अकाउंट एंड हैव कंक्लूडेड इट इज़ नॉट वायलेशन आवर टर्म्स एंड कंडीशन, देयरफॉर वी हैव अनसस्पेंडेड योर अकाउंट, दिस मीन योर अकाउंट इज वन अगेन एक्टिव एंड ऑपरेशनल एंड इन गुड स्टैंडिंग, देयरफॉर मेरा अकाउंट वापस आ गया। मैं प्रूफ के साथ ये बता रहा हूँ आपको, ये मैं 12:45 AM को दिया था, मेरे को रात को 11:59 AM यानी 12 घंटे के अंदर मुझे YouTube अकाउंट मेरा वापस मिल गया। और सेकंड अकाउंट, अभी ये एक मैटर हो गया, अभी सेकंड मैटर आपको क्या करना है, आपके चैनल में जाना है, जो आपका पेज है उसमें जाना है, उसमें सबसे नीचे जाना है, इसमें आपको जाके आपके क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक करना है। क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद आपको इधर हेल्प एंड फीडबैक मिलेगा। हेल्प एंड फीडबैक में जाइए, आपको सबसे नीचे जाएंगे, सेंड फीडबैक का ऑप्शन है, सेंड फीडबैक या तो ईमेल योर क्रिएटर सपोर्ट, आपको इधर पीछे चले जाइए और सेंड फीडबैक पे क्लिक करिए। तो क्लिक करें, ये आपका जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वही आप इधर पेस्ट कर सकते हैं, या तो अपनी चीज़ों का जो भी चीज़ है आपके पास वो डायरेक्ट ये कर सकते हैं। जो मैंने फीड आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ वही आप इधर डाल के सेंड। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपको इधर पहले मेथड से हो जाता है तो काम दूसरे इस पे आने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि मेरे केस में हुआ। इसके लिए आप ये दोनों मेथड ट्राई करें और इसको अच्छे से फॉलो करें। जैसे मेरा अकाउंट एक दिन में मेरे को वापस मिल गया वैसा आपका भी मिल सकता है। देखिए इधर मेरा स्टार्टेड मैसेज, मेरे को वापस मिल गया था मेरा अकाउंट। यही मेथड वैसे, या तो आप यही अकाउंट रेड नॉर प्ले पे आप जाके ईमेल करिए उसको, जो अपनी ये कंडीशन बताइए और आपको अपना ईमेल अकाउंट वापस मिल सकता है। जैसे कि मैंने YT एडवाइस में सुना है, उनने भी ये मेथड फॉलो किए थे और उनको भी ये कामयाबी मिली थी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और मेरे चैनल मिस्टर आइज़ैक को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपको लाते रहूँगा हमेशा, जब तक